गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लास्ट वीडियो जो मैंने ऑफिस से शूट किया था वो मैंने किया था बार्बी इंस्पायर्ड कलेक्शन फ्रॉम द सोल स्टोर। तो उसमें वो बार्बी इंस्पायर्ड नहीं था, उसमें बेसिकली जो कलर्स थे मैंने उस वीडियो में बताया, जो कलर्स थे जैसे पिंक पेस्टल शेड्स जो रहते हैं जो बार्बी में दिखाए थे वो उन्होंने उसको एक कैटेगराइज करके रखा था। तो मैंने वो सब ऑर्डर किया था, काफी अच्छे क्वालिटी के आए थे, आप चेकआउट कर सकते हो वो मेरा वीडियो। सो आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। बहुत टाइम से कपड़ों के ही डाल रही हूँ, लाइक हर जगह के हॉल के वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक एक्सेसरी ऑर्डर किया है जो कपड़ों के साथ बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आप देखते हो कभी जैसे आप प्लेन व्हाइट, जैसे अभी मैंने ये प्लेन व्हाइट शर्ट पहना है, या तो आप इसे टक इन कर सकते हो या तो आप इसे नॉट बांध सकते हो लाइक सामने एज अ क्रॉप टॉप पहनने के लिए। लेकिन इसे हम कैसे एनहांस कर सकते हैं इस लुक को, नॉर्मल पैंट और ये व्हाइट शर्ट या कोई भी प्लेन शर्ट को कैसे एनहांस कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और जैसे आप कोई प्लेन फ्रॉक पहन रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्लेन हो जाती है, सिंपल लगती है, उसे आप पार्टी वेयर कैसे बना सकते हो वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बिना रुके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसे ही वीडियो मतलब वीडियो तो वैसे ही स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैं आपको बताने लगूंगी इसके बारे में आपको समझ जाएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। गाइस तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आउटफिट को आप कैसे एनहांस कर सकते हो, या तो आप अपना ज्वेलरी पहन सकते हो, या तो आप नेकलेसेस पहन सकते हो, इयररिंग्स बड़े पहन सकते हो वैसे। लेकिन एक और एक एक्सेसरी है जो आप यूज कर सकते हो वो है बेल्ट। आप मैक्सिमम बेल्ट्स लेते होंगे सिर्फ जीन्स पे पहनने के लिए, लेकिन नई डिफरेंट टाइप के बेल्ट्स भी आते हैं जो आप टॉप के ऊपर भी पहन सकते हो और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। लाइक मेरे पास तो एक गोल्डन बेल्ट है, मतलब जो मैं साड़ी के ऊपर पहनती हूँ, वो इस वीडियो में नहीं पता चलेगा, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे मैं कपड़ों के वीडियोज डालती रहती हूँ। लाइक जो शॉर्ट्स में यहाँ यूट्यूब पे पोस्ट करते वो इंस्टाग्राम पे भी रहता है तो आपको दिख जाएगा उस पर ही। तो जैसे मैंने बोला बेल्ट्स मैंने ऑर्डर किया है, और एक बेल्ट नहीं ऑर्डर किया है, मैंने टोटल 6 बेल्ट्स ऑर्डर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के। तो आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे पहले बेल्ट की, तो ये रेड हॉर्न्स का वुमेन कैजुअल ब्लैक फैब्रिक बेल्ट है। ये साइज इसका 1 साइज ही था और कोई साइज नहीं रहता है इसमें। प्राइस जो प्राइस मैंने लिया था दैट वाज 339, अभी रीसेंट प्राइस इसका बढ़ गया, दैट इज 399 अवेलेबल है। और इसमें और 3 कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक तो मैंने ऑर्डर कर लिया है, जो बाकी 3 है वो है टैन रेड एंड वाइट। गाइज ये रहा बेल्ट, ये बेल्ट मुझे काफी स्मार्ट दिख रहा था पिक्चर में, और ये जब रियल इसमें भी मैंने देखा तो काफी स्मार्ट है, जैसा इमेज में देखा था वैसा का वैसा ही आया है। क्वालिटी इज रियली वेरी नाइस, मतलब बहुत स्टर्डी है और ऐसे निकलता नहीं है। इसे पहनने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि इसके ना पीछे बटन्स है, सो जब मैं ये आराम से ओपन भी हो जाते हैं, जब मैं इसे बंद कर रही थी तो एक बटन लगा रही थी, जब दूसरा लगाने जा रही थी तो उतने में फर्स्ट वाला बटन ओपन हो जा रहा था, तो काफी डिफिकल्टी हो रही थी। तो इसलिए वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने उसमें दूसरा तरीका बताया, लाइक आप इसे सामने ऐसे बटन्स लगा सकते हो और फिर उसे मूव कर सकते हो, लाइक ये वाला साइड पीछे करके ये वाला साइड सामने लेके आ सकते हो। और सबसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैंने बेल्ट ना कुछ ऐसा पहना है, वो मैंने उल्टा पहना है, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ इमेज देख के कि बेल्ट ऐसा पहनना था, ये जो नॉट है ऊपर की तरफ आ रहा था वो थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, लेकिन मुझे तो काफी स्मार्ट लगा। ये आप कोई भी लाइक शर्ट के साथ पहन सकते हो, ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, मतलब बहुत स्मार्ट लगा मुझे। और ये काफी जैसे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में आपने देखा होगा कि शर्ट के साथ वो लोग अलग अलग चीजें पहनते, तो ये बेल्ट वैसा ही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, डेफिनेटली अ मस्ट बाय ऑप्शन फॉर यू गाइज। अब बारी है नेक्स्ट आइटम के बारे में बताने की, तो आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये हेस्ट हिप की, अब आई डोंट नो द प्रोनंसिएशन मैं करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं, ये हेस्ट हिप है या हेस्ट हिप है, सो हेस्ट हिप का वुमेन ब्लैक जेन्युइन लेदर बेल्ट है। ये इसका साइज 1 साइज में ही अवेलेबल रहता है, प्राइस वॉज ₹799, इसका रीसेंट प्राइस इज द सेम अवेलेबल है, और इसमें कोई दूसरे कलर्स रहते नहीं है, सिर्फ ब्लैक ही है। गाइज ये रहा ये बेल्ट, ये बेल्ट जितने भी आइटम्स मैंने मंगवाया ना उसमें से सबसे ज्यादा पसंद आया था मुझे जब मैं ऑर्डर कर रही थी ये वाला बेल्ट। ये ना एक्चुअल लेदर से बना हुआ है एंड आप इस पे देख भी सकते हो, काफी ज्यादा शाइन भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक
प्लेन मैट फिनिश नहीं है, थोड़ा सा ग्लॉसी हो जाता है ये बेल्ट। मैंने घर पर ये ट्राई किया था, जब ये आया था ना ऑर्डर, तो मैंने घर पे ट्राई किया था। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ना इसे उसे ऊपर से पहना था। ओके, सिर्फ सामने से आपको लेदर दिख रहा होगा, पीछे से इलास्टिक है, तो मैंने ना इसे ऊपर से पहना था। लेकिन जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ऑफिस में, तब मैंने देखा कि यार ये तो यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ पे वेलक्रो है जो यहाँ से आप आराम से ओपन कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे आके पता चला। सो ये जो आपको यहाँ पे बेल्ट दिख रहे छोटे वाले, ये सिर्फ शो के बेल्ट है, मतलब इसमें मतलब ये टाइट या लूज करने वाला बेल्ट नहीं है। लेकिन ये जो शोल्डर के पास वाले जो बेल्ट जाते हैं, इसे आप आराम से टाइट कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइक मुझे ये टाइट करना पड़ा, ये थोड़ा लूज था मुझे क्योंकि बार बार नीचे गिर रहा था, या आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो। और जो मैंने व्हाइट शर्ट के साथ इसे पहना, ये परफेक्ट मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले बेल्ट से ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये ना थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, लाइक 799 पे कर रही हूँ मैं एक बेल्ट के लिए, एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक डेफिनेटली ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन 799 ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ मैं एक बेल्ट के लिए दे रही हूँ, ओके है और ठीक है। मतलब एक आध बार इन्वेस्ट कर लो तो ये मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ मैच भी करेगा। तो यहाँ से इलास्टिक है कि ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खींचता भी है, आप देख भी सकते हो बहुत ज़्यादा इसका वो है। सो डेफिनेटली 10/10 प्रोडक्ट है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बाय करने के लिए। अब बारी है नेक्स्ट आइटम के बारे में आपको बताने के लिए, तो आप उसकी इमेज देख सकते हो, ये हेस टिप सेम कंपनी का जो बेल्ट हमने लास्ट टाइम ट्राई किए थे उसका ही है। विमेन मल्टी कलर मेटल बेल्ट है, ये नॉर्मल लेदर वाला बेल्ट नहीं है, मेटल बेल्ट है। साइज वन साइज ही रहता है। प्राइस वॉज ₹539 और इसका रिसेंट प्राइस इज द सेम। अवेलेबल है और कलर्स इसमें रहते नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल पीसेज है ओनली 5 आर लेफ्ट। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आई विल ट्राई कि मैं आज या कल में ही पोस्ट कर दूँ, तो अभी 5 ही बाकी है, तो अगर किसी को पसंद आएगा तो वो ले सकता है ये। गाइस ये मैंने ना वापस पैक करके रखा था क्योंकि इट वाज वेरी लाइक डेलिकेट, मैं इसे चाहती नहीं थी कि ये टूट वूट जाए और इधर उधर कहीं चले जाए तो मैं उसे ढूंढ ना पाऊँ, तो मैंने इसे वापस पैक करके रखा है। तो ये बेल्ट बोल रही थी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये बेल्ट पहनने में मुझे लेजिट 5 मिनट लगे, एक बेल्ट पहनने के लिए 5 मिनट लगे, सोचिए। सो ये बेल्ट खुद में ही बहुत एंटैंगल हो जाता है, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, अभी मैंने पैकेट में रखा था, ये खुद ही एंटैंगल हो जाता है। मैं इसे एंटैंगल लाइक इसे हटा भी देती हूँ, लेकिन वो फिर से वो खुद में फंस जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे ये करने में। बाकी बेल्ट के हिसाब से थोड़ा सा हैवी था, हाँ समझता है क्योंकि ये मेटल का है, तो बाकी इसके हिसाब से थोड़ा भार इसका ज़्यादा है। ये ना बेल्ट टॉप पे पहनने का नहीं है, पहले मैंने ट्राई किया यार यहाँ पे टॉप पे पहनने के, लेकिन बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर मैंने देखा ये तो जीन्स का बेल्ट, लाइक जीन्स के ऊपर प्लेन जीन्स है तो आप उसके साथ ऐसे बेल्ट शो के लिए लगा सकते हो। अभी मुझे टाइम लगेगा फिर से इसे ओपन करने में, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। मुझे ओके लगा बेल्ट, उतना खास नहीं लगा, लाइक मेरे लाइकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा गॉडी है, बहुत ज़्यादा शाइन है इसमें, मुझे ना ऐसे शाइन वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते। लाइक आई एम अ मैट टाइप ऑफ पर्सन, मुझे मैट लिपस्टिक्स मैट शेड्स मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ग्लॉसी वाले से ज़्यादा। सो ये मेरे लिए ज़्यादा ही शाइनी वाला था। लाइक मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, मैंने जो पॉइंट लिखा मैं फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें एक पीस ऐसा था, मतलब ये पैकेट में मैंने रखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे सन के पीसेस लगे, लेकिन एक पीस ऐसा था जो ऐसा ही आ गया था, पता नहीं क्यों, क्या काम है इसका और कहाँ लग रहा है मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। सो मैंने इसे वापस इसे पैकेट में रख दिया क्योंकि ये थोड़ा, अगर ये डैमेज पीस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका लॉजिक नहीं दिख रहा है, बाकी सब बड़े बड़े सन है और ये छोटा वाला सन पता नहीं कहाँ लगेगा। पहनने के बाद ओके लग रहा था, मतलब मैंने जीन्स पे पहना था तो ओके लग रहा था, लेकिन मैं इसे बार बार पहन नहीं पाऊंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गॉडी है, और ये कोई पार्टी वार्टी हुई तब भी पहन पाऊंगी, ऐसे इसमें पहन नहीं पाऊंगी, तो इसे मैं 6/10 रेट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हाँ बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोग पहनेंगे भी, लेकिन मेरी लाइकिंग के हिसाब से मैं इसे 6 ही रेट करना चाहूँगी। गाइज अब बारी है नेक्स्ट आइटम के बारे में आपको बताने की, तो आप उसकी इमेज यहाँ देख सकते हो, ये गैलोर, यार कैसी ब्रांड्स है ना,
मुझे प्रोनंसिएशन का थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग बोल रही होगी। तो गैलोर का वुमेन कैजुअल इवनिंग पार्टी ब्लैक आर्टिफिशियल लेदर बेल्ट है, साइज वाज 1 साइज, प्राइस वाज ₹293। इसका मटेरियल आर्टिफिशियल लेदर है, रीसेंट प्राइस इज द सेम जो 293 प्राइस में मैंने खरीदा था, अवेलेबल है और इसमें कोई दूसरे कलर्स रहते नहीं है, सिर्फ ये वाला एक सिंगल कलर है। गाइज ये वाला बेल्ट है जो इसके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो ये बेल्ट पूरा कॉर्सेट जैसा वाइब्स देता है। जिन लोगों को कॉर्सेट के बारे में पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लाइक पहले बहुत टाइम पहले अमेरिका हो जाए, ब्रिटेन हो जाए, उधर ना कॉर्सेट्स पहने जाते थे, वो एकदम ना अब हमारी बेली बेली को ना एकदम टाइट कर देता था। आपने देखा ही होगा, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको समझ ही जाएगा कि वो एकदम ना बहुत पूरा कर्वी दिखाने के लिए वो एकदम कॉर्सेट एकदम टाइट करते हैं, और बहुत डिफिकल्ट होता था। पहले तो क्वींस वगैरह को पहनना पड़ता था वो सब चीजें, लाइक दैट वाज वेरी कंपलसरी, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, अब तो लोग फैशन के लिए पहनते हैं। तो अभी कॉर्सेट्स, टॉप्स हो गया, बेल्ट हो गया, फिर ड्रेसेस हो गया, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने ये कॉर्सेट बेल्ट मंगाया था, तो ये बेल्ट की फिटिंग काफी अच्छी थी, पीछे वेलक्रो है, यहाँ पे बटन्स नहीं है, आप इसे आराम से इसे रिमूव करके पीछे लगा सकते हो। जो मैंने पहले बेल्ट में बता रही थी कि बटन्स ओपन हो जाते थे, इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने डायरेक्टली ही पहन ली, और ड्रेसेस के साथ काफी अच्छा लगेगा, लाइक पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। मुझे ये टॉप के साथ ही बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। इसका प्राइस काफी रीजनेबल है, लाइक ₹293 में मुझे इतना अच्छा बेल्ट मिल रहा है। अगर अभी लाइक अभी आप कोई भी मार्केट में भी जाओगे, या अगर आप स्ट्रीट मार्केट में भी जाओगे, वहां पे भी आपको 100 150 रुपए का बेल्ट मिलेगा, मतलब आपको रास्ते में भी ₹150 का बेल्ट मिलेगा। ये तो तब भी इतना फैशनेबल वाला बेल्ट मुझे ₹293 का मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। ओवरऑल ये प्रोडक्ट को तो मैं 10/10 रेट करूंगी, और मैं आपको रेकमेंड भी करूंगी लेने के लिए, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, कॉर्सेट में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उनको बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन, लाइक बॉडी फिगर मेंटेन करने के लिए कॉर्सेट पहनना पड़ता है। हाँ, इसमें भी वैसा ही है कि एक टाइम के बाद ना सांस फूल जाती है कि अब ऐसा लग रहा है निकालो, अगर पार्टी के लिए जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं खाने जा रहे हो, अगर आपको खाना है उसके बाद आपको ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आप चैन से रह ही नहीं पाओगे। इससे तो ये रहता है, ये सिर्फ फैशन के लिए, मतलब थोड़े लोगों को जिनको ऐसे फैशन का शौक है, उनमें से मैं हूँ। हाँ, मैं मुझे ऐसे मुझे खाने का भी बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी फैशन के लिए। गाइज अब बारी है नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए, मुझे खुद का हंसी आ रही है, बार बार मैं बोल रही हूँ गाइज अब बारी है नेक्स्ट प्रोडक्ट बताने के लिए, मुझे खुद को ही हंसी आ रही है। तो यहाँ पे आप उसकी इमेज देख सकते हो, ये रेड हॉर्न्स का विमेन कैजुअल टैन फैब्रिक बेल्ट है, साइज वाज 1 साइज, प्राइस वाज ₹339। अभी इसका रीसेंट प्राइस बढ़ गया, दैट इज ₹399। अवेलेबल है, और इसमें और 3 कलर्स अवेलेबल है, टैन वाला तो मैंने मंगवाया था, इसमें ब्लैक, व्हाइट एंड रेड कलर अवेलेबल है, और इन स्टॉक भी है। गाइज ये रहा बेल्ट, ये बेल्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। हाँ, इसका जो भी ये जो इलास्टिक है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के इसमें तो और अच्छा नहीं लग रहा था, और साइड इसे जब मैंने पहना तो ये साइड से मुड़ जा रहा था, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी जो मैंने ट्राई किए थे बेल्ट वो एकदम स्टर्डी थे, लेकिन ये इलास्टिक ना फोल्ड हो रहा था बार बार, क्योंकि एक्चुअली ना लेदर बस इतनू सा ही है, बाकी पूरा इलास्टिक है, तो वो बहुत कचरा सा दिख रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और आपको वीडियो में खुद को समझ में आ रहा होगा कि वो उतना बिल्कुल उतना खास दिख नहीं रहा था। आई थिंक सो ये शर्ट के साथ प्रॉब्लम होगा, या तो ड्रेसेस के साथ ये ओके लगेगा, लेकिन स्टिल मुझे उतना पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। इसे जब मैं रिमूव कर रही थी तो रिमूव करने में प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक ये चेन अटक रही थी, तो चेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा मुझे। कलर भी मैंने थोड़ा अच्छा इमेजिन किया था जब मैंने इमेज में देखा था, लेकिन कलर भी मुझे उतना खास लगा नहीं जब आया। एक्चुअली दिस वन इज ओके, लेकिन ये वाला ना कलर मुझे अजीब सा लग रहा है, लाइक जो शेपवेयर रहता है ना उस टाइप का मटेरियल मुझे लग रहा है इसका, मुझे बिल्कुल उतना पसंद नहीं आया। क्वालिटी, हाँ सॉरी, क्वालिटी ओके है, मतलब बहुत स्टर्डी है, ये इलास्टिक भी बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, अच्छी है, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इस प्रोडक्ट का तो कितना 5/10 रेकमेंड रेट करूंगी, रेकमेंड बोल रही हूँ, और रेकमेंड तो नहीं करूंगी, लाइक पतले लोगों के ऊपर आई थिंक सो सूट हो जाएगा, लेकिन मेरा बॉडी जो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझ पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये, क्योंकि वो मुड़ने वाला ना बहुत बहुत वियर्ड, लिटरली शेपवेयर वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए मैं ये अपने तरफ से तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगी।
आपको एक्सप्लेन करते करते पता ही नहीं चला कि अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट की बारी है, तो आप उसकी इमेज यहाँ देख सकते हो। ये हेयर स्टिप का विमेन इवनिंग ब्लैक जेन्युइन लेदर बेल्ट है। इस ये वन साइज में था, इसका प्राइस वाज ₹799, रीसेंट प्राइस इज द सेम, अवेलेबल है एंड इसमें कोई दूसरे कलर्स रहते नहीं है, सिर्फ ब्लैक ही रहता है। ये बेल्ट आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि कैसा आया था ये बेल्ट। अभी तो तब भी थोड़ा ठीक कंडीशन में, लेकिन जब आया था तो एकदम ओपन था पूरा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से क्या है, क्या ये बेल्ट भी है कि क्या रस्सी दे के रखे, आई डोंट नो। सो ये इस बेल्ट को पहनने में मुझे ना 15 मिनट्स लगे, 15 मिनट्स एक बेल्ट को पहनने के लिए। इतना टाइम तो मुझे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं लगता, कपड़े पहनना तो हटाओ, मुझे कपड़े ढूंढने में भी उतना टाइम लगता है। लाइक मैं देखती हूँ कपड़े में ये पहनना है, निकाल लो पहन लो, वैसे मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगता है, लेकिन इसमें मुझे 15 मिनट लगा इस बेल्ट पहनने के लिए। तो पहले तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहनते कैसे है। हाँ मैंने पहन लिया, हाँ यहाँ से दिखा कि यहाँ से हाथ डालते इससे पहन लिया, लेकिन फिर उसे रैप कैसे करना है, इतना बड़ा स्ट्रिंग दिख रहा था, क्या करना है, कुछ आइडिया आ नहीं रहा था। फिर आप ये वीडियो में भी देख सकते हो कि मैं पहनने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे पहनते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे वापस ना फ्लिपकार्ट खोल के इमेज देखनी पड़ेगी, इमेज में पहनी कैसी वो मॉडल ने, उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ। तो इमेज देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझा, तो मैं थोड़ा बहुत कर रही थी, लेकिन उसमें भी डिफिकल्टी पड़ रही थी। ये बेल्ट जितना इमेज में वो मॉडल के ऊपर अच्छा लग रहा था ना, उतना अच्छा लग नहीं रहा था मुझ पर, क्योंकि पहनने के बाद ना बहुत वियर्ड आ रहा था। लाइक अगर मेरी कॉलर वाली शर्ट है तो ये उसके ऊपर आ रहा था, मतलब तो उसको कॉलर के पीछे रहना चाहिए, और मैं अगर पीछे से भी एक वो था लाइक आपको टाइट और लूज करने का था, लेकिन मैं उसे टाइट लूज कर रही थी तो वो ज्यादा ही लूज हो रहा था कि ढीला सा दिख रहा था, और टाइट कर रही थी तो वो एकदम यहाँ कॉलर के ऊपर आ रहा था, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पहनूं। और ये वाला जो बेल्ट है मैक्सिमम शर्ट्स के साथ ही अच्छा लगेगा, आप मॉडल की इमेज भी देख सकते हैं, मैंने जो इमेज आपको दिखाई थी उसमें भी वो मॉडल ने शर्ट पहना है एंड उसके ऊपर ये वाला बेल्ट पहना हुआ है, तो लिटरली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। क्वालिटी भी कुछ खास नहीं लगी, और 799 के हिसाब से तो बहुत ही पांचट क्वालिटी लग रही थी सच्ची में, उतना नहीं ऐसे नॉर्मल बेल्ट, और ऐसा लग रहा था कभी भी टूट भी सकता है। और यहाँ पे जैसे हम रहते हैं ना कि जैसे वॉच पहनते, तो वॉच पहनने के बाद वो कर मतलब लाइक मूव ना हो तो एक स्टॉपर रहता है, वैसे इसमें भी स्टॉपर्स थे, लेकिन स्टॉपर्स इतने लूज थे कि स्टॉपर्स का कुछ लेना देना नहीं था, वो खुद ही ड्रॉप हो जा रहा था, मतलब वो उसको होल्ड भी नहीं कर पा रहा था, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी मुझे इसके लिए। इस प्रोडक्ट का तो मैं 4/10 रेकमेंड ही बोलती हूँ, मैं हमेशा 4/10 रेट करूँगी और रेकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ लेकिन जैसे कोई फंक्शंस लाइक कोई इवेंट्स वगैरह रहते हैं उसके लिए परफेक्ट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है उसके लिए, आप ये ले सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही आपको पहनना है तो मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन आप ये कोई इवेंट वगैरह हो उसके लिए आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट लगेगा। और जैसे फैशन शो वगैरह होते हैं ना उसमें तो ये लाइक हार्नेस ही बोलेंगे इसे, ये हार्नेस जैसा ही वाइब्स दे रहा था, तो आप ये पहन सकते हो। अब हम फाइनली ये वीडियो एंड करने पे पहुंच गए हैं, तो ये सारे बेल्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप इजीली उसे परचेज कर सको। बहुत अमेजिंग एक्सेसरी है, आप कोई भी आउटफिट को आराम से एनहांस कर सकते हो ये बेल्ट को यूज करके। स्पेशली ये बेल्ट्स रहते हैं ऐसे शर्ट्स के लिए, प्लेन शर्ट्स या तो फिर प्लेन शर्ट्स नहीं, ये डिजाइन वाली शर्ट्स भी रहती है, या तो आप ड्रेसेस जो नॉर्मल प्लेन ड्रेसेस रहती है ना उसके साथ भी आप पहन सकते हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगेगा। कॉर्सेट वाला बेल्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो 293 रुपीज़ का था एंड जो 799 का था, जो मैं आपको बोल रही थी मुझे लग रहा था ऊपर से पहनना है, लेकिन वो भी काफ़ी स्मार्ट था, वो मेरे दोनों फेवरेट्स हैं जितने भी आइटम्स मैंने मंगाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आप अगर चाहते हो मैं ऐसे वीडियोज और लेके आओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।